शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए जानते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियाँ और क्या हो सकता है आपके साथ। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मेष है उनके जीवन में स्थिति पहले से बेटर है। मन आपका उदास हो सकता है, किसी पर्सनल मैटर में आप उलझ सकते हैं, मन में हताशा हो सकती है, लोगों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, दोस्तों के साथ खासकर आपके संबंध खराब होने की प्रबल संभावनाएँ चल रही हैं। और चीज़ों को आप बेटर ढंग से अगर नहीं करेंगे तो कई बार आप बहुत सारे नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृषभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि वृषभ है उनके जीवन में स्थिति पहले से बेटर है। लगातार आप उन्नति करेंगे, आपके कार्य व्यापार में उन्नति होगी, बहुत से लोगों के चेहरे आपके सामने आएंगे जो आपके मन को थोड़ा सा उदास जरूर करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति हमारा हित चाहता है, हमारे लिए बेटर नहीं है, वो अगर हमारे जीवन से हट जाए वही बेटर होता है। कई बार चीज़ों को न्यूट्रलाइज रूप से देखना आवश्यक होता है। कई बार हम संबंधों को लेकर इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि उनके इर्द गिर्द ही हमारा जीवन घूमने लगता है। तो जब हम इस प्रकार की किंतु परंतु से अपने आप को बाहर निकालते हैं तो एक रिलैक्स मोड में आते हैं और वो हमारे लिए एक बेटर कंडीशन होती है। तो कुल मिलाकर आपके लिए भी इस जो समय है परिवर्तन के लिए है। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मिथुन राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से बेटर है। आपको लाभ होगा, चीज़ों को आप प्रॉपर ढंग से कस्टमाइज करेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, चीज़ें आपकी बेटर होंगी और कुल मिलाकर कई यात्राओं का आपका योग हो रहा है और हो सकता है कि आप कई धार्मिक यात्राएँ भी करें। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि कर्क है उनकी स्थिति पहले से बेटर है। आपको लाभ होगा, चीज़ें आपकी बेटर ढंग से होकर आएंगी। थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, उसको आपको देख समझ कर चलने की आवश्यकता है। मैं लगातार कर्क राशि वालों को ये बोलती हूँ कि आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर देख समझ कर चलने की आवश्यकता है, इसे अनदेखा ना करें। आपके माता पिता को मृत्युतुल कष्ट की प्राप्ति हो सकती है, तो इस समय को थोड़ा सा बेटर करने का प्रयास करें और उनके स्वास्थ्य के प्रति अनदेखा ना करें। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे हैं अपनी राशियों का हाल सितारों की गति के अनुसार। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। सिंह राशि वालों के जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, आकस्मिक लाभ हो सकता है, यात्रा आप कर सकते हैं और अचानक किसी बड़े कार्य के कारण आपके मन में प्रसन्नता का वातावरण रह सकता है, जिससे कि आपकी पॉजिटिविटी में ज़्यादा वृद्धि होगी और अपने काम को लेकर आप काफ़ी पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कन्या राशि वालों के जीवन में स्थिति बेटर है। बहुत दिनों से समस्या चल रही थी, खासकर पारिवारिक समस्या और आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ी हुई थी, उसमें आप रिलैक्स फील करेंगे, चीज़ों को बेटर करेंगे और हमेशा चीज़ों को साथ में लेकर चलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए तुला राशि के स्टार्स क्या कहते हैं जानते हैं। तुला राशि वालों के जीवन में स्थिति पहले से तो नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं हताशा है। किसी बड़े कार्य को करेंगे, कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर लेकर जाएगा और उसका सपोर्ट आपके बहुत सारे सरकारी कार्यों को संपन्न कराने में आपकी मदद करेगा। तो कुल मिलाकर समय आपका अच्छा है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में स्थिति पहले से बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं मन उदास है। आपको अपने किए गए कर्मों पर पछतावा है, लेकिन जो चीज़ बिगड़ चुकी है उसको संभालना अब आपके बस में नहीं है। अपने परिवार को संभालने का प्रयास करें, अपनी स्थिति को बेटर करने का प्रयास करें और कोशिश करें कि किसी के साथ आप अब गलत ना करें और किसी को धोखा ना दें। आपके जीवन के अगर आप अपने प्रारब्ध को नहीं संभालेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे हैं अपनी राशियों का हाल सितारों की गति के अनुसार। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। धनु राशि वालों के जीवन में स्थिति पहले से नॉर्मल है। संतान पक्ष को लेकर आपको डिप्रेशन आ सकता है, चीज़ें आपकी बिगड़ सकती हैं। आपको लग रहा था कि बहुत से आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे, लेकिन उन कार्य को संपन्नता नहीं होने के कारण लगातार आपको नुकसान होने लग गया है, जिसके कारण आपके अंदर एक डिप्रेशन आ रहा है और कार्य की असफलता लगातार आपको प्रॉब्लम में डाल रही है। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मकर राशि वाले जीवन में थोड़ा सा नॉर्मल स्थिति में आएंगे, उनका मन भटक सकता है। पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा अपने पे कंट्रोल कर चलने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको इससे नुकसान हो सकता है। चीज़ों को बेटर करें, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कुंभ राशि वालों के जीवन में एक अलग सी निगेटिविटी चल रही है। शनिदेव बस उनके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिसके कारण भी वो एक अपना औरा तैयार कर रहे हैं, जिससे उनके काम बिगड़ने लग रहे हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं और लोगों के साथ धोखा नहीं किया है और चीज़ों को आप बेटर करके आए हैं, तो आप बिल्कुल भी निर्भय रहें, निर्भीक रहें,
क्योंकि शनिदेव आपको आशीर्वाद ही प्रदान करेंगे, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता रहते हैं। और अगर आपने कभी भी किसी व्यक्ति का नुकसान किया है या छल के द्वारा किसी चीज़ को हासिल किया है तो आप तैयार हो, शनि देव जो होते हैं वो न्याय के देवता होते हैं। और अगर आपने कभी भी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय किया है तो अपने कर्मों के प्रारब्ध को भोगने के लिए आप तैयार रहें। कुल मिलाकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है कि आपको चीज़ें कहीं निगेटिव रूप से ना मिले। कार्य व्यापार में तो आपके बाधा आएगी ही, साथ ही साथ आप स्वास्थ्य बाधा का भी शिकार हो सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मीन राशि वालों को नए आभूषणों की प्राप्ति होगी, चीज़ों में स्थिरता आएगी, आप कार्य को नई दिशा प्रदान करेंगे और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपने कार्य के वाइब्रेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर आप पॉजिटिव समय की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो आपको दिन के प्रत्येक क्षण को प्रभावित करते हैं और उन्हीं ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके जीवन में अच्छी और बुरी घटनाएं घटती हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे थे अपनी राशियों का हाल। नमस्कार।